वो एक अलग कहानी है, पहले अच्छा, ये कंप्लीट करते हो। हाँ, तो हुआ ये कि जॉटमी की आप चाहे मेन लीड क्यों ना कर रहे हो, एक पॉइंट पे आपको शायद स्टेज की झाड़ू भी मारना पड़ेगी, एंड दैट्स बोथ इक्वल। वो आते हैं, मुझे अभी भी एंजाइटी अटैक्स आते हैं, गुस्सा आ जाता है, एकदम इम्पेशेंट हो जाती हूँ, एकदम ऐसे हो जाता है। ऐसे ट्रैवल करने से लोग कहते हैं आपका नजरिया बहुत खुलता है, आप नई नई चीजें देखते हो, तो आपको सीखने को भी बहुत मिलता है, किताबें पढ़ने से भी ज्यादा कई बार। स्केरी और डरावने एक्सपीरियंस के लिए आपको ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही अकेले, आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, आप उसी शहर में रात को अकेले निकल जाइए, आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। थैंक्स मुझे फंसाने के लिए। नाइस आंसर। थैंक्स। क्योंकि आयरनी ये है कि क्यों मैं क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। रिसेंटली कहीं पे नीना गुप्ता ने ये स्टेटमेंट दिया था, दैट वुमेन नीड मैन। I know. I love that. How do you react on it? I love that woman. I love her. I love bold women, and I love women who you know are so strong about their thoughts. हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे नवनीत 94.3 माय एफएम से, और ऑफ बीट टॉक्स इट पॉडकास्ट में आज हमारे साथ में एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके रीसेंट किरदार जो है विमेन एम्पावरमेंट के बारे में खूबसूरती से बात करता है, और क्योंकि आज की तारीख में इस सब्जेक्ट को लेकर, इस बात को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो क्यों ना हमने सोचा गुलकी को यहाँ पर बुलाया जाए, गुलकी जो कि हमारे शहर इंदौर की ही हैं। तो सबसे पहले बहुत स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट ऑफ बी टॉक्स पे। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। इतना क्यूट और इतना वार्म वेलकम दिया आप लोगों ने, इट वाज सच अ प्लेजेंट सरप्राइज, सो स्वीट। थैंक्स अ लॉट। तो आपका नाम मैंने जैसे सर्च किया, ख्याति है। हाँ, लेकिन ख्याति आपको गुलकी जोशी नाम से मिली। यस। तो क्या राज है इसके पीछे, थोड़ा सा बताइए। सो बेसिकली हुआ ये कि जो मेरा ओरिजिनल नाम है, राशन कार्ड वाला नाम जिसपे चेक आता है मुझे, वो ख्याति जोशी है। बट हुआ ये कि मुझे घर में प्यार से गुलकी कहते हैं, लाइक मेरे पेरेंट्स मुझे गुलकी कहते हैं, रिश्तेदार गुलकी कहते हैं। गुलकी मींस व्हाट? वो एक अलग कहानी है, पहले ये कंप्लीट करते हो। हाँ, तो हुआ ये कि जब मैंने ऑडिशंस वगैरह देना शुरू किया, मैंने एक्चुअली शुरुआत अपनी एज अ डबिंग आर्टिस्ट से की थी। हाँ, डैड रेडियो में थे, सो आई न्यू द यू नो निटिग्रिटीज ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एवरीथिंग। तो मैंने शुरुआत डबिंग आर्टिस्ट से की थी, और वो मेरे काका के साथ की थी, तो वो मुझे गुलकी कहते थे। अब वही गुलकी गुलकी नाम फैलने लगा। फिर मैंने कुछ ऑडिशन वगैरह जब देना शुरू किया, तो शुरुआत में ख्याति के नाम से दिया, फिर एक दिन पता नहीं क्या कंफ्यूजन हुआ था और गुलकी नाम चला गया था ऑडिशन में। और वो ऑडिशन हो गया। अच्छा। वो दूरदर्शन का एक शो था, कर्म युद्ध। अच्छा। और वो हो गया, और वो तब से जो नाम गुलकी फैला है, देन आज लाइक आई थिंक यही लकी है। पूरी जिस तरह से मेरे माँ बाप मुझे प्यार करते हैं, आई थिंक पूरी दुनिया मुझे वैसे प्यार करना चाहती है, सो लेट्स स्टिक टू गुलकी। ग्रेट। अच्छा, क्या क्या है गुलकी, कुछ मतलब भी है इसके? सिर्फ प्यार से किया हुआ, कौन किया हुआ वर्ड है? सो गुलकी कहीं किसी तो लोकल डायलेक्ट भाषा में, मुझे एग्जैक्ट टेक्निकल मत पूछना, उसमें गुलकी का मतलब होता है गिलहरी। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो आई थिंक मेरा स्पिरिट एनिमल बहुत पहले ही तय हो चुका था। आप थिएटर करती हैं, और थिएटर के लिए आप हमारे शहर इंदौर में वापस आई हैं। पहले बताओ, थिएटर जो है, मेरे को जहां तक मैं देखता हूँ थिएटर आर्टिस्ट को, बहुत सिंसियर होते हैं, और उनका उनका डेडिकेशन जो है अपने प्ले के लिए, अपने रोल के लिए बहुत ज्यादा होता है, एज कम्पेयर टू बॉलीवुड एक्टर्स और बाकी जगह से हम कंपेयर करें तो। डेफिनेटली। थिएटर ने आपको क्या सिखाया? आई थिंक थिएटर ने मुझे बहुत ग्राउंडेड रखा है। इट टॉट मी कि आप चाहे मेन लीड क्यों ना कर रहे हो, एक पॉइंट पे आपको शायद स्टेज की झाड़ू भी मारना पड़ेगी, एंड दैट्स बोथ इक्वल, दे आर बोथ रिस्पेक्टेबल, और दोनों की अपनी जगह, और दोनों अपनी जगह पावरफुल है। सो आई थिंक इट केप्ट मी वेरी ग्राउंडेड, इट केप्ट मी डिसिप्लिन। मेरा जो मेरे काम को लेकर जो क्राफ्ट है, या जो मेरा प्रोसेस है, वो थिएटर से आया है। सो और वो मैं कभी भूलती नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि चाहे कोई भी प्रोजेक्ट किया हो, आई इवेंचुअली ट्राई एंड कमिंग बैक टू थिएटर। मैडम सर के बाद भी आई वाज लाइक यार अब 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए ऑलमोस्ट, आई मिस स्टेज। मुझे वो खुशबू, जो स्टेज की खुशबू होती है, एंड दैट शो के पहले की नर्वसनेस, और वो ब्लैक कलर के विंग्स, और सामने ऑडियंस है, और पर्दे में से झांक के देखना कि अरे कितने लोग आए हैं, कितना भरा है, ऑल दैट इज अ डिफरेंट, इट्स एन एडिक्टिव रश। अभी भी बटरफ्लाई आते हैं शो के पहले? हाँ, बटरफ्लाई, चूहे, बिल्ली सब होता है, भर भर के या अच्छे से।
ओशो ने एक बार कहा था, ये बहुत ही फेमस लाइन है उनकी, कि आपकी लाइफ को आपके ऐसे जीना चाहिए कि कोई प्ले चल रहा है और आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअली वैसे ही देखती हूँ जिंदगी, मैं जेन्युइनली वैसे ही देखती हूँ जिंदगी एज एन एक्टर। आई थिंक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक एक्टर वैसे ही, एक्टर के पास एक बहुत स्कोप है स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहने का, बिकॉज चाहे वो कितने भी बड़े बड़े गुरु रहे, उन सब ने यही बात की है कि आप अपनी जिंदगी को एक नाटक की तरह देखें, और मैं वो लिटरली आई डू दैट एज अ जॉब। सो मेरे लिए जेन्युइनली मैं यही होता है मेरा कि अगर किसी चीज को लेकर अगर बहुत परेशान हूं या समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे कहाँ जाऊं और क्या करूं, ये रास्ता सही है, ये डिसीजन गलत तो नहीं पड़ जाएगा, मैं कुछ कर तो नहीं रही हूँ, एंड आई एम लाइक कि नहीं नहीं चिल सिट बैक, मैं यहाँ हूँ, मैं एक किरदार हूँ, और मैं दूसरी मैं ओरिजिनल मैं जो वहां से कनेक्टेड है वो यहाँ बैठ कर देख रही है। सो आई जस्ट सिट एंड आई वॉच माई सेल्फ and I let things unfold. It makes life so much easy. Meditation वगैरह करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने Vipassana की हुई है तो मैं meditation regularly करती हूँ। क्या कुछ बदलाव आया उसको करने के बाद आपकी life में? I think सबसे बड़ा बदलाव यह है that it made me a lot more fearless. It made me a lot more confident and it also made me a lot more calmer. कि ठीक है हो जाएगा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही ऐसी शांत बाबा हो गई हूँ, आते हैं मुझे अभी भी एंजाइटी अटैक्स आते हैं, गुस्सा आ जाता है, एकदम इम्पेशेंट हो जाती हूँ, एकदम ऐसे हो जाता है, देन आई एम लाइक तो वो एक समझ आ गई है कि वो आता है और वो अवेयरनेस आ गई है कि ये कुछ आया है तो आप उसमें बहते नहीं हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो एक्साइटमेंट हो, चाहे वो डर हो, यू आर अवेयर दैट इट इज हैपनिंग टू यू एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड लेट इट पास। गुस्सा आता भी है तो मुझे पता है कि मैं गुस्सा करना चाहता हूँ इसीलिए गुस्सा कर रहा हूँ, exactly, कर रही हूँ, exactly. गुस्सा हो नहीं रहा अपने आप से। हाँ yes. वो पहले होता ना कि गुस्सा आ रहा है, आपने गुस्से में गालियां दे दी, चीजें तोड़ फोड़ कर दी, सब तहस नहस कर दिया, दो घंटे बाद रियलाइज होता है अरे यार मुझे गुस्सा आया था। वो अब नहीं होता है, वो गुस्सा आता है तो समझ में आने लगता है कि अच्छा गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या किया जाए क्या किया जाए, थोड़ा अकेले में चला जाए, थोड़ा जाकर पानी पिया जाए, थोड़ा सामने वाले से कह दिया जाए सुनो मुझे गुस्सा आ रहा है 15 मिनट बाद बात करेंगे, तो वो एक अवेयरनेस आ गई आई थिंक दैट उससे तो बहुत आसान हो जाती है। अच्छा ये बताइए कि पढ़ने का कितना शौक है और रिसेंटली क्या कुछ पढ़ा? पढ़ने का शौक है, काफी शौक है, ओशो की तो मैक्सिमम सारी किताबें पढ़ी हुई है मैंने, सदगुरु की सब कुछ आई थिंक, कर्मा डेथ सब पढ़ा हुआ है। रिसेंट मैं अभी दोबारा से वो पढ़ रही हूँ सिडफील्ड की स्क्रीन प्ले, ओके, बिकॉज मुझे ऐसा कुछ कुछ स्क्रिप्ट और अंडरस्टैंडिंग और क्राफ्ट को लेके आई लाइक अपग्रेडिंग माई सेल्फ, आई लाइक रिफाइनिंग माई क्राफ्ट एज इन व्हेन आई गेट टाइम, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो पढ़नी चाहिए, थोड़ी सी वो टेक्निकल चीजें आपको समझ में आ जाती है राइटिंग से रिलेटेड और ऐसा सब, ऐसे सब पढ़ती हूँ। फिक्शन बहुत कम पढ़ती हूँ मैं, फिक्शन तो हो ही रहा है ना बहुत दुनिया में, टीवी पे, फिल्मों में, दुनिया में, रियलिटी में। अच्छा ट्रैवल करने से लोग कहते हैं आपका नजरिया बहुत खुलता है, आप नई नई चीजें देखते हो तो आपको सीखने को भी बहुत मिलता है, किताबें पढ़ने से भी ज्यादा कई बार, क्या ट्रैवल करने पे नई कुछ चीज सीखी आपने? मुझे याद है शायद किसी आपकी सीरियल के लिए, किसी फिल्म के लिए आप चंडीगढ़ 6-7 महीने रहे थे। हाँ 8-9, 9.5 महीने हम रहे थे चंडीगढ़। नई जगह से क्या कुछ सीखने का मिला कभी? एक तो आई एम अ हार्डकोर ट्रैवलर, हाँ जब ये आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल नो दिस बट मैडम सर जब खत्म हुआ उसके बाद मैं 2 महीने के लिए सोलो ट्रिप पे गई थी यूरोप, बैकपैकिंग अकेले, एब्सोल्युटली आई एम लाइक कोई नहीं, ना दोस्त, ना पेरेंट्स, ना बॉयफ्रेंड, कोई नहीं, जस्ट मी एंड माई सेल्फ, एंड आई थिंक दैट हैज ऑल्टर्ड माई पर्सनैलिटी फॉर गुड, बिकॉज बाहर जाकर एक तो सबसे पहले दैट फीलिंग ना कि ये सब पुराना पीछे छूटता जा रहा है, वो अपने आप में इट मेक्स यू फील वेरी लाइट। वहां जाने के बाद बहुत कुछ कुछ एक्सपीरियंस हुआ मुझे, ऐसा एक पॉइंट पे तो मैं बहुत डर भी गई थी, दैट मोमेंट वेन यू रियलाइज की ओ गॉड मैं जेन्युइनली यहाँ पर अकेली हूँ, यहाँ पे अगर मुझे कुछ भी हो जाएगा तो मेरे पेरेंट्स को या मेरे फ्रेंड्स को मुझ तक पहुंचने में ही शायद 1 हफ्ता लग जाए, सो दैट थॉट इज वेरी स्कैरी बट इट इज ऑल्सो वेरी लिबरेटिंग एट द सेम टाइम, तो वो हुआ। उसके बाद फिर यू टेक अ बैक सीट एंड देन यू स्टार्ट सीइंग योर लाइफ फ्रॉम अ बर्ड्स व्यू पॉइंट ऑफ व्यू,
फिर बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे खुद के बारे में चीजें समझ में आने लगती है कि अच्छा उस वक्त मैंने ऐसे क्यों किया था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, नहीं भी करती तो चलता, या उस वक्त वो करना चाहिए था. सो आई थिंक ट्रैवलिंग डज दैट, स्पेशली ट्रैवलिंग सोलो. मैं आई थिंक मैं जो देख भी रहे हैं, प्लीज ऑलवेज एनकरेज योर किड्स टू गो ट्रैवल, एंड स्पेशली गर्ल्स कि आप जाइए और अकेले घूमिए, वो उससे बेहतरीन कोई एक्सपीरियंस नहीं, यू कम बैक अ डिफरेंट पर्सन. पर यूरोप जाकर अकेले घूमना और हिंदुस्तान में अकेले घूमना, इसमें अंतर है बहुत. इंडिया में बहुत डर होता है लड़कियों के अकेले घूमने में. वो है, माय पेरेंट्स वुड नेवर लेट मी ट्रैवल अलोन इन इंडिया, दे वर वेरी हैप्पीली, दे वेरी हैप्पीली सेंड मी टू यूरोप कि वहां जाओ अकेले घूमो, इंडिया में नहीं घूमने देते. कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कभी जो आपको लगता है कि लड़की होने के नाते बहुत स्कैरी था, गड़बड़ हुआ? आपको ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही अकेले, आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, आप उसी शहर में रात को अकेले निकल जाइए, आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा. कोई किस्सा आप सुनाएंगे ऐसा कुछ जो हुआ हो? यार मुझे ना अभी कोई एक पर्टिकुलरली किस्सा याद नहीं आ रहा है, बट मैंने 5-6 महीने से एक हैबिट पाली है दैट आई कीप अ बेसबॉल बैट इन माय कार. बिकॉज आई ट्रेवल अलोन एट नाइट, आपका कभी शूट नायगांव में है, कभी दूर है, कभी क्या है, एंड आई लाइक बींग इंडिपेंडेंट. मुझे नहीं अच्छा लगता कॉन्स्टेंटली चार लोग मेरे साथ ऐसे घूम रहे हो, तो आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. आई स्टार्टेड कीपिंग अ बैट कि कभी आप गाड़ी में हो, कोई बाइकर्स आ जाए, कोई बदतमीजी करे, देयर सम ड्रंक पीपल ऑन द रोड, कुछ भी होता है ना, अगर आपको बाई चांस पुलिस ने रोका और उतने में कोई और आकर आपको परेशान करने की कोशिश करे, यू डोंट नो. आजकल लोग इतने क्रिएटिव हो गए अपने ट्रैप्स को लेकर, इतने क्रिएटिव हो गए हैं दैट यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन गार्ड. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट नाउ कि भाई मैं जाऊं बैट हाथ में लेके बाहर उतरो, अब बात करो, आधे तो वो बैट ही देख के डर जाएंगे, काम खत्म. सुपर. अच्छा अभी ऐसा ही एक कैरेक्टर अल्फा मेल का हम लोगों के सामने पेश किया गया, डेंजर मैन. एनिमल की रणबीर कपूर की एक्टिंग की तो सब तारीफ कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन क्या आपने इस फिल्म को देखा? नहीं देखा तो इस फिल्म को देखने वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उसी दिन सैम बहादुर भी रिलीज हुई जो 70 crores भी नहीं कमा पाया और ये 700 crores से भी ज्यादा कमा चुका. थैंक्स मुझे फंसाने के लिए. ना आंसर. थैंक्स. क्योंकि आयरनी ये है कि क्यों मैं इस क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं आगे जाकर इन्हीं लोगों के साथ शायद काम करना चाहती हूँ, तो मैं कुछ खराब भी नहीं बोल सकती, पर मेरे जो अंदर की जो ओरिजिनल गुलकी है वो उसने मुझे अलाउ नहीं किया ये फिल्म देखना. आई डोंट थिंक, I really don't know how to put this in a diplomatic way, but I don't think I would watch or I would let my kids watch a movie like Animal. Because at my core, I believe that this is media. This is mass communication. चाहे हम जो बैठकर बात कर रहे हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो रेडियो हो, फिल्म हो, OTT हो, TV हो, कुछ भी हो, you communicate to a large population at the same time. तो आप उसमें क्या दिखाना चाह रहे हो? Because that creates their psyche, yes. And that psyche creates society. तो आप किस तरह की society create करना चाह रहे हो? या और I can say जैसे वो सैम बहादुर वाली बात है, same time पे release हुई है, but वो film ज़्यादा चली है और ये film नहीं चली. That itself so much says so much about the kind of world we're living in right now. इतनी कितनी darkness है भाई आपके अंदर, इतना कितना गुस्सा है आपके अंदर, क्यों आपको इतना खून खराबा और इस तरह की चीजें देखकर, एंड व्हाई डू पीपल लव दिस? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. आई एम श्योर कि ये इससे बहुत कंट्रोवर्सी होगी, हो तो हो, आई डोंट केयर, बट आई डोंट थिंक आई विल वॉच एनिमल, एंड आई डोंट सपोर्ट मेकिंग ऑफ सच मूवीज, नॉट एट ऑल. नहीं होना चाहिए इस फिल्म में. अगर कोई अच्छी चीज हो, मुझे लगता है पापा वाला सॉन्ग जो है जो कनेक्ट करता है लोगों को, और आपका जो मैंने प्ले नहीं देखा बट सॉन्ग बहुत खूबसूरत है, राज शेखर ने लिखा है, और आपका जो हिम्मत नहीं हो रही है, मैं उतना खून ही देख, मैं ट्रेलर में ही इतना खून देखकर डर गई. और एक्चुअली आजकल तो क्या हो गया ना, जब लोग मूवी देखने जाते हैं तो छोटी छोटी स्टोरीज क्रिएट कर लेते हैं, तो मैक्सिमम जो क्लाइमेक्स सीन्स है ना वो ऑलरेडी बॉबी देओल का गला काटता हुआ एंड ऑल, इट इज ऑल देयर ऑन सोशल मीडिया. नहीं नहीं हमसे ना हो पाए, हमसे बिल्कुल ना हो पाए. मैं आधी फिल्म तो इंस्टा पे देख ली थी, आप लाइक नहीं नहीं मैं नहीं देख सकती. ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके प्ले के बारे में. yes. इस फिल्म के भीतर भी एक पापा के प्यार के लिए पागल लड़के को दिखाया गया, और आपका प्ले भी जो है एक फादर की कहानी है. क्या है एग्जैक्टली, थोड़ा सा प्लीज बताएं. ये एक फादर की कहानी नहीं है, ये
बहुत सारे पिताओं की कहानी है, ठीक है। दिस बेसिकली इज अ स्टोरी ऑफ सिक्स एल्डरली पीपल जो एक ओल्ड एज होम में रहते हैं और जो बहुत सड़ते कुड़ते रहते हैं, जो बस सरकार को और दुनिया को और अपने बच्चे को और समाज को सबको गाली देते रहते हैं। एंड देन दे डिसाइड कि हमें इस दुनिया को एक सबक सिखाना है। ये दुनिया जिसने हम बुजुर्गों को ऐसा ही अकेला छोड़ दिया है कि हमने इतने साल काम किया सोसाइटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, वी वर्क सो हार्ड, एंड नाउ जब हमें सहूलियत मिलने की बारी आई है तो सब एवरीबडी हैज गिवन अप ऑन अस। सो वी वॉन्ट टू टीच ऑल ऑफ देम अ लेसन। हम एक सामूहिक आत्महत्या करेंगे। और या इट गेट्स डार्क, इट्स लाइक अ डार्क कॉमेडी। सी ये भी तो एक टाइप का डार्क है ना यार, बताइए बिना खून खराबे वाला। सच में सच में। तो दे डिसाइड टू हैव लाइक अ मास सुसाइड, बट फिर कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें बदलती है, देयर इज सम मैजिक दैट हैपेंस, देयर इज सम ट्विस्ट्स एंड टर्न्स इन द स्टोरी, एंड पूरा पर्सपेक्टिव जो है हमारा ओल्ड एज को लेकर या ओल्ड एज होम्स को लेकर या माँ बाप के साथ आपके रिश्ते को लेकर या बुढ़ापा इन जनरल, जिस ये जो टॉपिक है जिससे सब डरते हैं, यू नो हम भी तो डरते ही है ना, लोग पूरी दुनिया में कोशिश किए जा रहे हैं कि बस कुछ भी हो जाए हम बूढ़े ना हो। तो ये जो एक ऐसा टॉपिक है वो किस तरह से उस पर पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होता है। एंड या एंड वो द बेस्ट पार्ट इज कि वो मेरे पापा ने लिखा है। या 30-35 साल पहले उनका यहाँ पे ग्रुप हुआ करता था कलानिकेतन, जहाँ पे लोग प्ले किया करते थे। उसके बाद ऑफ कोर्स जिंदगी सबको अलग अलग जगह ले गई। अब 35 साल बाद सब दोबारा मिले हैं। ओके, सो इट इज अ रीयूनियन, ठीक है। एंड इट इज अ सर्कस। मैं बता रही हूँ आपको, बच्चों से ज्यादा मस्ती बूढ़े करते हैं। मैं इन सब की क्लास मॉनिटर बनी हुई हूँ। अच्छा, ये लोग इतनी मस्ती करते हैं क्योंकि ये सब पुराने दोस्त मिले हैं और ये एक ऐसा प्ले कर रहे हैं जिसमें मस्ती भी है और एक दूसरे की उड़ा भी रहे हैं और इमोशंस भी है और एवरीथिंग है। सो दे हैव सो मच फन दैट आई एम लाइक कि यार मैं भले ही से प्रोड्यूस करूं ना करूं, एज एन ऑडियंस आई वांट टू गो सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, बिकॉज ये जो इनकी आपस की कॉमरेडरी है, ये जो इनकी मस्ती है, दैट इटसेल्फ इज कमिंग अक्रॉस सो ब्यूटिफुली दैट मैं तो चाहती हूँ बूढ़ों से ज्यादा बच्चे आए हैं देखने। आई थिंक यंग पीपल वुड रिलेट सो मच टू इट। मतलब मुझे देख के ऐसा लगा यार इतना मजेदार भी हो सकता है बुढ़ापा, इट्स नॉट समथिंग टू बी सो स्केर्ड ऑफ। हाँ, इतना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना डरने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी फन, इट कैन बी नाइस, इट कैन बी फुलफिलिंग एंड फुल ऑफ लाफ्टर, इट डजंट हैव टू बी सैड एंड लोनली। आई थिंक दैट्स द टेक अवे फ्रॉम दिस। हेलो पापा, तो वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस प्ले? आई थिंक आइए, गेट योर पेरेंट्स, गेट योर ग्रैंड पेरेंट्स, 15 साल की उम्र के ऊपर जितने भी लोग हैं आपके खानदान में सबको लेकर आइए। आई गारंटी यू आपको बहुत मजा आएगा। द प्ले विल मेक यू लाफ, द प्ले विल मेक यू क्राई, द प्ले विल ऑल्सो मेक यू, विल ऑल्सो मूव यू इन अ लॉट ऑफ वेज, बिकॉज हमने बहुत सारी कंडीशनल थॉट पैटर्न्स को चेंज करने की, उन्हें ब्रेक करने की और उन्हें चैलेंज करने की भी कोशिश की है। सो आई थिंक इट विल आल्सो मूव यू इन अ लॉट ऑफ वेज, सो प्लीज कम एंड वॉच, यू विल हैव अ फैंटास्टिक। अभी हम थोड़ा सिंसियर एक क्वेश्चन को आपके सामने पेश करना चाहूंगा। तो ये अभी तक सिंसियर नहीं थे, अभी इस मस्ती की बात है, कितने कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा दी मुझसे, मुझे सिंसियर नहीं थे। अभी तो मसाला निकालना बाकी है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें केरला की एक डॉक्टर थी, उन्होंने सुसाइड कमिट किया। रीजन क्योंकि उनका जो बॉयफ्रेंड था वो शादी के पहले, उनको जायदाद भी चाहिए थी, जमीन भी चाहिए थी, गाड़ी भी चाहिए थी, BMW, और वो लड़की नहीं दे पाई, शी कमिटेड सुसाइड। या आई नो आई रेड दैट न्यूज एंड आई थिंक ऑनेस्टली आई स्टिल हैवंट प्रोसेस्ड इट। मुझे नहीं समझ में आता कि अगेन लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट कि इतनी क्या डार्कनेस है आपके अंदर, what has happened to all of us as a society, as people। आप जेंडर तो साइड में रख दो, वो तो एक अलग कॉन्वर्सेशन है ऑल टुगेदर, बट सिर्फ अगर एज ह्यूमन बींग्स भी देखा जाए तो हम इतने दुखी कब हो गए यार, और हम क्यों इतने फ्रिवलेस हो गए कि ऐसी बातों पे, गाड़ी और घर और ये, इन चीजों पे आप जिंदगी खत्म कर लेने जैसा इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हो। सो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये
स्कूलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है, या हम एज अ सोसाइटी इतने ज्यादा कंपेटिटिव हो गए हैं कि मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के अलावा और कोई ग्रोथ ही नहीं है. मुझे भी इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी चीजों ने, लोगों ने ये भी पूछा कि अरे थिएटर तो एज अ फर्स्ट स्टेप होता है कि आप पहले थिएटर करते हैं, फिर आप टीवी करते हैं, फिर आप फिल्म करते हैं, आप कहाँ उल्टा आ रही हैं. आई लाइक ये किसने सिखाया आपको, ये कहाँ से ये लॉजिक आया है कि ये स्टेप्स हैं या ये ग्रेडेशन सिस्टम है. वेयर डू यू गेट दिस आइडियाज? ये दो एब्सोल्युटली अलग अलग मीडियम है, दोनों की अलग ऑडियंस है, दोनों का अपना लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट है और दोनों का डिफरेंट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस है. हाउ कैन यू कंपेयर? एंड इवन दिस, हाउ कैन समथिंग लाइक अ कार मेक यू वॉन्ट टू किल योर सेल्फ? डोंट यू लव योर सेल्फ? आई थिंक पीपल डोंट लव देम सेल्फ. हम पैसे और गाड़ी और इस सब की भीड़ में आई थिंक कोई हर छोटी चीज भूलते गए. आई थिंक जस्ट बैठकर, मुझे जितना अच्छा लगा, मैंने मेरी बुआ के साथ बैठकर मटर छीले, मुझे इतनी खुशी हुई ये करके. एंड आई, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे इतना क्यों मजा आ रहा है ये करके. एंड आई एम लाइक, नहीं यार, ये दिस इज इट, बिकॉज द कॉन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग राइट नाउ, दिस फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड टुगेदरनेस, ये बड़ी बड़ी चीजों में नहीं है. सो आई थिंक पीपल आर फॉरगेटिंग द स्मॉलर नुएंसेस, द स्मॉलर हैप्पीनेस ऑफ लाइफ. और जब बड़ा कुछ होता नहीं है तो यू स्टार्ट फीलिंग सो वर्थलेस अबाउट योर सेल्फ दैट यू डोंट वांट टू लिव एनीमोर. आई डोंट नो हु हैज टॉट दिस. आई वाज नॉट टॉट दिस इन स्कूल. माय पेरेंट्स डिड नॉट टीच मी दिस. ठीक है, सेल्फ लव एंड एवरीथिंग, वो सब आपको किताबें पढ़ के एंड यू नो सब चीजें सुन के अवेयरनेस से आ जाता है. बट ये सेल्फ हेट वाला कॉन्सेप्ट तो किसी ना किसी ने सिखाया होगा ना. ये किसी को देख कर सीखे हो शायद. किसी को देख कर सीखे हो. सो प्लीज स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. रोज सुबह मिरर के सामने जाइए एंड टेल योर सेल्फ 21 टाइम्स, आई एम इनफ, आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट गिफ्ट टू द वर्ल्ड. से 21 टाइम्स एवरी डे इन द मिरर. आई सेड इट इन माई ब्लॉग एज वेल. आई एम अ बिग एडवोकेटर ऑफ एफर्मेशंस एज वेल. मैं इस पे आने वाला था. एफर्मेशंस कितना काम करते हैं, मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं वर्क करता है लाइफ में. कहीं ना कहीं मैंने जो कुछ भी अभी तक क्रिएट किया लाइफ में, इट इज ऑल माय मैनिफेस्टेशन. ये सब मैंने बैठकर सोचा था, ये सब मैंने बैठकर विजुअलाइज किया था. और मैं सोचकर खुश हुई थी कि मैं सब टीवी का शो करूंगी और वो ऐसा शो होगा. फिर मुझे एक बार प्ले भी प्रोड्यूस करना है, फिर मुझे प्ले करना भी है, फिर मुझे रेडियो में बैठकर इंटरव्यू भी देना है. सब कुछ, एवरीथिंग टू द टी, कि मैं ऐसी दिखूंगी और मेरे बाल ऐसे होने चाहिए. एंड आई वांट पीपल टू फील द लव दैट आई फील फॉर एवरीबॉडी इन माय हार्ट. ऑल दैट इज हैपनिंग. तो एक अफर्मेशन जो आपको लगता है कि आप हमारे देखने वालों को देना चाहती हो, अगर वो चाहें तो फॉलो करो. आई एम इनफ, आई लव माय सेल्फ अनकंडीशनली, आई एम द बेस्ट. ये तीन. Every morning while brushing your teeth, anytime you see a mirror, say it to yourself. मन में बोलो, जोर से बोलो, किसी को भी बोलो. Say it to yourself. I think we need to start loving ourselves very seriously. Not take ourselves seriously, but love ourselves seriously. खुद को जितना lightly लो उतना अच्छा है. कोई तुम्हारे पहले भी दुनिया चल रही थी, तुम्हारे बाद भी दुनिया चलेगी. कोई कुछ बहुत महान काम या कोई बहुत खराब काम कुछ नहीं होता. Your point here on this earth is to have a good time. Spread as much love as you can and laugh. Laugh on the stupidest of things and the most serious of things. अभी recently कहीं पे नीना गुप्ता ने ये statement दिया था that women need men. I know. I love that. How do you react on it? I love that woman. I love her. I love bold women and I love women who you know are so strong about their thoughts. And about their decisions. And मुझे बहुत अच्छा लगा था इंटरव्यू. और वो भी अगेन कड़वा सच है, पर है ये. हाँ, ये इस बात से तो फर्क पड़ता ही है, डेफिनेटली पड़ता है. आई थिंक ये होना नहीं चाहिए, पर ये है. इवन लाइक मुझे यहाँ पे भी, आई थिंक बॉम्बे तो चलो इज स्टिल डिफरेंट, बट मुझे यहाँ पे ये लोग अकेले कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, कुछ करने नहीं दे रहे हैं. कि पापा हो साथ में या फूफा जी हो साथ में या भैया हो साथ में, तो जाओ. कोई साथ में हो तो जाओ. अब देखिए, या तो आप इस बात का झंडा लेकर लड़ते रहे कि नहीं मैं तो अकेले ही जाऊंगी, नहीं मैं तो अकेले ही सब करूंगी, नहीं मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लड़ाई करने के चक्कर में खुद को अनसेफ रखूंगी,
या तो आप ये मान ले कि भाई आज की दुनिया की सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, पर है, मुझे काम करना है, मुझे जिंदगी जीनी है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, और ऐसे में मुझे सेफ सेफ फील कराने के लिए इफ आई नीड अ मैन देन आई नीड अ मैन, सिंपल. डोंट यू नीड अस, आई मीन आप थोड़ी ना बच्चे पैदा कर सकते हो, सिंपल एज दैट. सो इट्स ओके टू नीड ईच अदर, इट्स ओके टू वॉन्ट ईच अदर, एंड इट्स ओके टू डिपेंड ऑन ईच अदर. इतना हाइपर इंडिपेंडेंस होने की जरूरत नहीं. सुपर. अच्छा, आपसे बात करते करते जो अलग अलग तरह की चीजों में बात की, एक चीज अभी आप रिसेंटली शायद अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं. नहीं नहीं वही वही घर, वही घर है, वही घर है. तो घर में इतनी अमीर नहीं हूँ मैं, क्या बता रही हूँ लोगों को. नहीं नहीं है, ये बता नहीं रही है, छुपा रही है. ये टैक्स देती है और पहले दे देती है अक्षय कुमार की तरह. नहीं 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 हम छोटे मोटे प्रोड्यूसर, छोटे मोटे एक्टर. ये प्रोड्यूस इसीलिए कर रहे हैं कि पैसा कहाँ करें, कर गया एक शो प्रोड्यूस कर रहे इस पैसे का क्या करूं मैं. ठीक है, एक शो प्रोड्यूस कर देते हैं. सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ. चलो ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट वास्तु. वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है किसी घर के लिए, आप इस पर ध्यान रखते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में भी क्या विश्वास रखते हो थोड़ा बहुत या नहीं? यार मैं ये इन चीजों को ना बहुत अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करती हूँ. मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग यही करते हैं. हाँ, कन्वीनियंस के हिसाब से, कि मम्मी ने अगर बोला है कि वास्तु के हिसाब से ये वहां रख देना और ये कर लेना, तो ठीक है मम्मी ने बोला है कर लेते हैं. और एस्ट्रोलॉजी अगर कभी ऐसा लग रहा है जिंदगी में यार काम ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं चल रहा, सब सब ऊपर नीचे हो रहा है, तो कोई बोल दे देखिए बेटा आपका अभी जो है ना ये 2-4 महीने ऐसे चलने वाला है, आप शांति से बैठो, अगले महीने चीजें बदलने वाली है. तो लगता है अच्छा ठीक है, ओके, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, 2 सितारों की गलती है, 2 महीने में सब अच्छा हो जाएगा, इट्स ओके. अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आपने 2 महीने वर्ड यूज किया, जब मैडम सर खत्म हुआ और आपका नया शो शुरू होने के बीच का ये टाइम जो होता है, ये कितना स्कैरी डरावना होता है, या हम लोग जी कॉर्पोरेट वालों की तरह आप भी पहले एक नई जॉब ढूंढ लेते उसके बाद जॉब छोड़ते हो, क्या होता है? नहीं, आई थिंक ये हम लोगों को फायदा होता है कि क्योंकि जब शो जब आप कर रहे होते हो तो आप तो सिर्फ काम कर रहे हो ना, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो. सो व्हाटएवर यू अर्न इज ओनली गेटिंग कलेक्टेड एक्सेप्ट योर बेसिक नीड्स एंड वो सब जो है, क्योंकि आप फ्री ही नहीं हो. आप सुबह 8 से लेकर रात के 11 बजे तक शूट कर रहे हो. यू डोंट हैव अ सोशल लाइफ, यू डोंट हैव अ पर्सनल लाइफ. सो अदर देन योर बेसिक खर्चा, एवरीथिंग इज जस्ट गेटिंग कलेक्टेड. और मैं एज अ पर्सन भी बहुत सिक्योर हूँ, तो और मेरे बहुत ज्यादा खर्चे नहीं है, मेरे ऐसे वो एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे नहीं है कि मुझे वही ब्रांड का बैग चाहिए और मुझे यही खाना खाना है और मुझे लोगों को दिखाने के लिए गाड़ी खरीदनी है, ऐसा कुछ नहीं है. माय पेरेंट्स गेव मी अ वेरी ग्राउंडेड अपब्रिंगिंग. What matters is it's what's in your brain and what's in your heart. तो मेरे एक्स्ट्रा खर्चे भी नहीं है, तो मुझे मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था. मेरे लिए जैसे ही शो खत्म हुआ मैंने अपना ऑलरेडी ट्रैवल लिस्ट इतना लंबा बना लिया था कि मुझे आई थिंक 6 महीने तो पता भी नहीं चला. शो खत्म हुआ मैं 1-1.5 महीने आई थिंक सिक्किम नॉर्थ ईस्ट ये सब पूरा घूमा. उसके बाद आई कुछ कुछ यहाँ पे मुझे बॉम्बे में काम थे वो खत्म किए और फिर यूरोप चली गई. फिर घूम घाम के आई, फिर एक प्ले कर लिया, वो प्ले खत्म हुआ, अभी प्ले प्रोड्यूस कर लिया. तो मैं ऐसे कुछ 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 आई कीप फॉलोइंग माय ब्लिस, आई कीप फॉलोइंग कि ये करने में मुझे मजा आएगा, ये करना मेरे लिए चैलेंजिंग होगा, या ऐसा लग रहा है कि इसको देखे ना थोड़ी फट रही है कि अरे ये कैसे होगा. तो आई फॉलो दैट, आई फॉलो व्हाटएवर व्हाट यू से, जिस भी चीज से गुदगुदी हो मैं वो फॉलो करती हूँ सिंपली. फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? नहीं, आई थिंक द वर्ल्ड. नहीं, देयर इज नो फेवरेट यार, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी सुंदर, वेदर इट इज द आर्किटेक्चर ह्यूमन मेड और वेदर इट इज द नेचुरल लैंडस्केप, द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल यार, कैसे डिसाइड करें फेवरेट डेस्टिनेशन? हो ही नहीं सकती, पहले देख तो ले पूरा उसके बाद डिसाइड करेंगे ना. अभी रिसेंटली शाहरुख खान 3rd time वैष्णो माता मंदिर गए अपनी फिल्म के रिलीज के पहले, किस तरह से देखते हैं? पर आप भी किसी भगवान पे ईश्वर पर विश्वास करते हैं? I believe in energy. You can call it whatever you like. आप भगवान बोले, आप उसे अल्लाह बोले, आप उसे जीसस बोले, whatever, मैं एनर्जी में बिलीव करती हूँ. और उसका इसका कोई बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होने से लेना देना नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली सब वही चाह रहे हैं. इवेंचुअली एवरी रिलीजन इज टीचिंग यू द सेम थिंग. इवेंचुअली द काइंड ऑफ पीस एंड द काइंड ऑफ फेथ दैट you feel inside when you believe in a higher power remains the same irrespective of what you call it. So agar Shahrukh Khan ye kar rahe hain to bahut achhi baat, definitely karna chahiye, whatever that makes you feel good here should be done.
शाहरुख खान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लोग बोलते हैं, कुछ कुछ चीज आपने भी उनसे सीखी, क्योंकि वो बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी भी है। Yeah, yeah. I watch all of his interviews regularly. I love how sharp he is, how knowledgeable and how witty he is. तो मैं, मुझे वो बहुत पसंद है. And second, मुझे सबसे important चीज जो मैंने ये सोचा था कि अगर मैं कभी स्टार बनी तो मैं फॉलो करूंगी, इज दैट नो मैटर हाउ टायर्ड यू आर, नो मैटर हाउ क्रैंकी यू फील, नो मैटर हाउ वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर ओन हेड, इफ देर इज अ फैन who wants to click a picture with you, I will be there. You want to click 10 pictures, I'll click 10 pictures. मैं भले ही मन में गाली दूंगी, जल्दी कर, खाना खाना है, भूख लगी है, नींद आ रही है, जाने दो, but I will always, always be there. That's one thing. Because आप उसके लिए तो कर रहे हो. मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब भी ऐसे नए नए स्टार बनते हैं ना लोग, और फिर ऐसे बोलते हैं प्लीज हमें फोटो नहीं खिंचाना, प्लीज हमें फोटो नहीं खिंचाना. अरे यार, जब तक इसी के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, और जब तक पूछ रहे तब पूछ रहे, नहीं पूछेंगे ना तो तुम ही फ्रस्ट्रेट होगे फिर बाद में. फिर पूछोगे अरे नहीं मीडिया बुलाओ, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. रिस्पेक्टेड व्हेन यू हैव इट, नो. शाहरुख खान ने कहा था आई एम लास्ट ऑफ द स्टार्स. अभी रणबीर कपूर को लेकर लोग अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ही इज द नेक्स्ट स्टार. व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? आई एम द नेक्स्ट स्टार. यस. तो हम लोग अब गुलकी के घर जाकर कुछ नई चीजें क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि जब ये आएंगी तो वहां पर वो ऊपर वो जो बनता है ना शाहरुख खान का, वो वो हम लोग एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा. हां प्लीज, मैं ये नेक्स्ट ये मैनिफेस्ट कर रही हूं मैं. प्लीज कीजिए कि मुझे ऐसे, मैं भले ही बड़ी सी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे घर ले लूंगी पर वो एक स्पेस चाहिए, पर वो स्पेस चाहिए मुझे ऐसे. अच्छा, ये जब हम लोग अपने आप को स्टार देखते हैं ना, तो एक ये चीज आती है, शाहरुख खान की तरह एक बंगला है और वहां पर हम खड़े होकर लोगों को वेव कर रहे हैं. आती है ना भाई. अरे उन्होंने ही तो सिखाया है स्टार कैसे बनते हैं और स्टार पावर क्या होता है, उन्हीं को तो देख के सीखा है हम पूरी जनरेशन ने. हमारे रोमांस के सारे आइडियाज भी उन्होंने ही खराब किए हैं. अब रियल लाइफ में तो कोई शाहरुख सर जैसा रोमांस कर नहीं सकता, तो हम सबके आइडियाज भी सर आप ही ने खराब किए हैं. इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट आई एम सिंगल. हे भगवान, कुछ करो, कुछ करो. ओके, मुझे बताइए कि इंदौर आप कितने, इंदौर कितने साल, अगर पूरे काउंट करें टोटल ईयर वाइज तो कितने साल इंदौर रह ली होंगे? आई थिंक एवरी समर वेकेशन, दिवाली वेकेशन, 5-6 साल माने स्कूल, हां आई थिंक सब मिला के 5-6 साल रहे हैं. तो इंदौर की भी कोई चीज कभी मुंबई में मिस की जाती है? सेम और पोहा जलेबी और वो आलू की कचौरी. मैं जब से आई हूँ मैं रोज कचौरी खा रही हूँ. मैं रोज कचौरी खा रही हूँ. मतलब मुझे लिटरली डांट पड़ी कल की, अब 4 दिनों में शो है, गला खराब हो जाएगा, कुछ तबीयत खराब हो जाएगी. तो मैंने कहा कि नहीं नहीं रुके, को कंट्रोल. मतलब मैं रोज पोहा जलेबी ये अपना कचौरी खा सकती हूँ. ग्रेट यार, इंदौरी की खासियत है कि जब वो वर्ल्ड में किसी भी जगह पर जाता है और उसको उसकी तरह की चीज मिल जाती है तो जरूर खाता है. हाँ, मतलब एक बार मैं जयपुर गया था और 3 दिन तक मैं पोहा मिस कर रहा था, और जैसे मुझे एक जगह पर दिखा इंदौरी पोहा तो मैंने सोचा आप इंदौरी हो. अरे बोले नहीं, इंदौर का नाम ले दिया सर यहाँ पे. मैं ठीक है यार, किला पोहा तो इंदौर के लोग पोहे के ऐसे दीवाने हैं कि बता नहीं सकते हैं. अच्छा, यहाँ जो पोहा बनता है ना वो सिर्फ यहीं बनता है, वो कहीं नहीं बनता. मेरे ख्याल से क्लाइमेटिक कंडीशंस भी थोड़ा फर्क, पानी हवा इसमें भी फर्क पड़ता है. या मैंने हर जगह का पोहा ट्राई किया है बट इंदौर उसके ऊपर वो सेव और वो जीरावन डाल के देता है. चलो चलो, भूख लगी और कितने सवाल बाकी है. ये बताइए कि OTT के आने के बाद टेलीविजन का वॉच टाइम क्या कम हुआ है आपको लगता है? नहीं, आई थिंक कुछ 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 नहीं, डेमोग्राफिकली अब रिसर्च निकाल कर देखिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है. बिकॉज टीवी की जो ऑडियंस है वो टीवी की ही ऑडियंस है. आपको शाम को बैठकर अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हुए अगर कुछ देखना है टीवी पर तो आप देखोगे ही. OTT से बस ये हुआ है कि क्योंकि सबके आप कब इंटरनेट कमाल का चलता है सबके फोन पे, तो वो पर्सनलाइज प्रेफरेंसेस सबके बदल गए हैं कि आप जो साथ में बैठकर देखना है वो साथ में देखिए और आपको बाद में अपने प्रेफरेंस से जो देखना है वो आप देखिए. बट आई डोंट थिंक एज सच कुछ बहुत फर्क पड़ा है. ये सब एक दूसरे को डराने वाली बातें हैं कि अरे OTT करो, OTT करो, टीवी खत्म होने वाला है. और टीवी वाले बोलते हैं कि अरे OTT कुछ नहीं होने वाला है, टीवी करो. ये सब आपस में एक दूसरे को डरा रहे हैं. हाँ, कुछ होता कुछ नहीं, सब चल रहा है, लोग सब देख रहे हैं. वी हैव इंडिया इटसेल्फ इज 8.8% परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया. यहाँ पे सब चलता है.
यहाँ पे सब देखते हैं. वी हैव एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस, वी हैव एवरी काइंड ऑफ कंटेंट एंड एवरीथिंग गेट्स अप्रिशिएटेड इन इट्स ओन वे. ट्रू, सो ट्रू. बिफोर वी फिनिश दिस पॉडकास्ट, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं जब भी किसी से मिलता हूँ ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ ताकि इसको देखकर हमारा जो आज का यूथ है वो कुछ जरूर सीखे. थॉट फॉर द लाइफ क्या है आपका? वाओ, मे बी लाइक 10. हम इसके लिए सेपरेट पॉडकास्ट कर सकते हैं क्या? थॉट फॉर लाइफ, आई थिंक थॉट फॉर लाइफ यू नो a lot of most of the people don't believe it when I say this, but your thoughts do create your reality. आप जिस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं, जो भी आपका dominant thought या आपका dominant emotion है of the day, that creates your reality. अगर आप सुबह उठते से ही अगर आपको आप ये panic zone में है कि late हो रहे हैं office के लिए, traffic है, ये है, वो है, तो आपका पूरा दिन panic में जाएगा and then आपके आसपास panic क्रिएट होने वाली सिचुएशंस ही आती जाएंगी. एंड इफ यू कैन जस्ट स्टॉप, पॉज फॉर अ सेकंड एंड चेंज दैट थॉट, जहां से वो पैनिक या वो फेयर या वो गुस्सा निकल रहा है, और उसे आप स्विच करें दैट माय इमोशंस डोंट कंट्रोल मी, आई कंट्रोल माय इमोशंस, एंड चेंज दैट एंड फॉलो दैट लाइक अ रेगुलर होमवर्क. यू सी योर हाउ योर रियलिटी शिफ्ट्स. आई हैव डन दैट पर्सनली. मैंने पर्सनली कर करके सोच सोच के, आई यूज्ड टू बी वेरी अग्रेसिव पर्सन. पैशनेट लोग अक्सर अग्रेसिव होते हैं, हो ही जाते हैं. तो वो मैंने उसको बहुत सोच सोच के, क्योंकि आप जितना गुस्सा करते हो ना, आपके आसपास और चीजें वैसी होती जाती है जो आपको और गुस्सा दिलाए. जस्ट स्टॉप, पॉज फॉर अ सेकंड, चेंज दैट थॉट एंड योर थॉट्स शेप योर रियलिटी. इफ यू बिलीव इट देन इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हैपन फॉर यू. Superb. So, गुलकी, आपसे बात करके बहुत मजा आया. Yes, मुझे भी. आपको भी अच्छा लगा? मुझे बहुत मजा आया. आई लव्ड ऑल दीज क्वेश्चंस. और मैं, आप बॉम्बे आओ, हम एक और पॉडकास्ट करेंगे. 100%. वेरी नाइस, सो नाइस. ऑन द कैमरा. यस, थैंक यू वेरी मच.